सीवान के सदर अस्पताल में कैदी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल मचाया। उसके बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे और समझा बुझाकर मामले को शांत कराए, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार सीवान के मंडल कारा के ठीक आगे मृतक के परिजनों ने एक बार फिर से बवाल काटा। आपको बताते चले कि लाल बहादुर साजू की तरवारा के गौरा गांव का रहने वाला है और वो जेल में शराब पीने के मामले में बंद था और जब उसकी तबीयत खराब हुई थी तो उसे मंडल कारा के जेल प्रशासन के द्वारा सीवान के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर रस्सी से बांधकर उसके हाथ और पैर और फिर इलाज किया गया। और परिजनों का आरोप है कि उसकी इतनी जमकर पिटाई कर दी गई कि उसने दम तोड़ दिया। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीवान में आज दिन भर बवाल मचता रहा, कभी अस्पताल में बवाल मचा तो कभी सीवान के जेल पर बवाल मचा। परिजनों का यह कहना था कि मेरा पति चला गया जेल प्रशासन की लापरवाही से, जेलर की लापरवाही से। सीधे तौर पर वो आरोप सीवान के मंडल कारा के जेलर पर लगा रहे थे कि उन्हीं लोगों के द्वारा पिटाई की गई है जिसको लेकर लाल बहादुर की मौत हो गई। उनका कहना था कि हमारे और दो बच्चे हैं जो कि शराब पीने के मामले में इस मंडल कारा में बंद है, उनसे मुझसे मिलवा दीजिए। और मिलने के लिए जो उसकी माँ थी यानी कि लाल बहादुर की पत्नी जिसकी मौत हो गई, वो काफ़ी बेचैन थी और मिलने के लिए चीख रही थी, चीख-कार रही थी। तो आप देख सकते हैं सीवान के मंडल कारा पर कुछ देर के लिए हंगामा चलता रहा और उसके बाद वहां पर थोड़ी देर के बाद जब एसडीओ पहुंचे तो आप देख सकते हैं किस तरह से एसडीओ का पैर पकड़ करके और वो महिला रो रही है और चीत्कार रही है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको एटीएन लाइव पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज सीवान सदर अस्पताल के बाद सीवान मंडल कारा पर भी जमकर बवाल मचा और परिजनों ने, जो कैदी की मौत हो गई सीवान के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान, उसके परिजनों ने जमकर बवाल मचाया और उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन और जीबी नगर थाना के लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि उन्हीं लोगों के द्वारा इस तरह के उनको पीटा गया है जिसको लेकर उनकी मौत हुई है। हालांकि एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप भी जीबी नगर थाना पर लगाया है कि उन्होंने जो वहां के थानेदार हैं उनके द्वारा 1,00,000 रुपए मांगी जा रही थी हमारे दो बेटे और पति को छोड़ने के लिए, लेकिन जब नहीं दिया गया, 70,000 रुपए जब दिए जा रहे थे तो नहीं छोड़ा गया और अंत में उसकी पिटाई भी कर दी गई। उसके बाद जेल में लाया गया और फिर जेल में बंद होने के बाद वहाँ जेल प्रशासन के द्वारा भी पिटाई की गई और हाथ पैर बांध करके इलाज किया गया और इसी के क्रम में उसकी मौत हो गई। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार। जाइए जाइए आप लोग। अरे साथी हमार बुझाता जब पहनवन की कहल जाए। Thank you.
होता है।